हे गाइस, आई होप एंड विश यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2021 क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया का प्रेडिक्शन वीडियो। एंड मैंने कल ऑलरेडी मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के ऊपर वीडियो बना दी है, तो चेक इट आउट इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट ऑलरेडी। तो बात करते हैं क्लासिक फिजिक की। क्लासिक फिजिक का लाइनअप इस साल बहुत ही बड़ा है। 30 कम्पिटिटर्स हैं क्लासिक फिजिक में जो कि क्वालिफाइड हैं इस साल के ओलंपिया के लिए। एंड टुडे आई विल ओनली प्रिडिक्ट टॉप 6 फॉर 2021 क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया। डेफिनेटली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ वॉच इट टिल द वेरी एंड। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डू एंड वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब फिटनेस चैनल गेम ऑफ फिटनेस फ्रीक्स। तो क्विकली पहले बात कर लेते हैं कौन कौन क्वालिफाइड है एंड देन वी विल स्टार्ट विद आवर टॉप 6 प्रिडिक्शन। तो क्वालिफाइड हैं ये 30 कंपेटिटर्स: जीक एंड्रयूज, ब्रियॉन एंसली, जोजे मारिया मेट, क्रिस बम्स्टेड, एलेक्स कैम्बनेरो, टॉमी क्लार्क, जर्मन पेस्टर, नील करी, साबुर फेवर्स, ब्रायन जोन्स, यूर्स कालेसिंस्की, जॉर्ज कावालावू, शियोंग वान किम, ब्रेडी किंग, लेजलो किरेले, गेब्रियल मचाडो, फाबियन माया, पीटर मोलना, करेज ओपारा, रामन रोचा, टेरेंस रफिन, अप्तिन शिकराबी, माइक जोमाफेल्ड, टोनी टावेरास, रॉबर्ट टिम्स, डार्विन एंड्रिस, वेस्ली विसर्स, डिवाइन विल्सन, इन सींग यू एंड डानी यूनान। सो दीज आर आर 30 कम्पिटिटर्स फ्रॉम दिस ईयर्स क्लासिक फिजिक। एंड देर इज़ पॉसिबिलिटी कि इसमें से कुछ एथलीट्स हमें कम्पीट करते हुए नहीं दिखेंगे बिकॉज ऑफ ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस। एंड लोगन फ्रैंकलिन इज़ नॉट क्वालिफाइड, ही इज़ नॉट इन द लिस्ट बिकॉज एज वी ऑल नो ही कम्पीटेड एट टेक्सस प्रो एंड वहाँ लोगन की सेकेंड प्लेस लगी थी, तो वो क्वालिफाइड नहीं है इस साल के ओलंपिया के लिए। तो टॉप 6 की प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यही 6 एथलीट्स होने वाले हैं इस साल के क्लासिक फिजिक ओलंपिया में टॉप 6, या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉल आउट। एंड 6 प्लेस की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग ये होगी वेस्ली विसर्स की। लास्ट ईयर वेस्ली की प्लेसिंग थी 11th ओलंपिया में, एंड अकॉर्डिंग टू मी इस साल इनके चांसेस थोड़े हाई हैं प्लेस करने के, क्योंकि लास्ट ईयर जो ट्रंक वेस्ली ने पहना था मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत ही बड़ा रीज़न था वेस्ली की 11th प्लेस का। काफ़ी ब्लॉकी एंड वियर्ड लुक दे रहा था वो ट्रंक वेस्ली की फिजिक को, एंड सेम ये बात वेस्ली ने भी कही। एंड बाकी इस साल वेस्ली अच्छा करते आ रहे हैं। पोर्चुगल प्रो में वेस्ली की प्लेस थी 3rd, एंड पोर्चुगल में अच्छे और फुल आए थे वेस्ली, बट प्री जजिंग में थोड़ा नैरो एंड फ्लैट टाइप थे। बाकी फाइनल्स तक आते आते बहुत अच्छे हो गए थे, बट लेग्स थोड़े वीक लग रहे थे। एंड बाकी कंडीशनिंग अच्छे से लेकर आए थे, मसल सेपरेशन बहुत ही अच्छी थी, एंड इतने फुल नहीं थे कि वो पोर्चुगल प्रो को जीत जाएं, इसलिए उसमें इनकी प्लेस लगी थी 3rd। बाकी प्री जजिंग में ज़्यादा नैरो थे, फाइनल्स तक आते आते बेटर हो गए थे। एंड इसके बाद जीत गए पोलैंड प्रो, उसमें काफ़ी ढंग से फुल आए, कार अच्छे से लोड करके एंड कंडीशनिंग भी ऑन पॉइंट लाए, एंड शो जीत कर क्वालिफाइड हो गए इस साल के ओलंपिया के लिए। ओवरऑल वेस्ली के पास भी एक क्लासिक लुक है, एक अच्छी फिजीक है, हर बॉडी मसल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर लगता है वेस्ली की फिजीक में। रीसेंट परफॉर्मेंस के बेस पे मैंने वेस्ली को 6th प्लेस पर रखा है, एंड इसके बाद 5th पर मैं रखूँगा ब्रियॉन एंसली को। मेरे हिसाब से इस साल और भी ज़्यादा कंडीशनिंग लेकर आएंगे एंड शार्प आएंगे, पर साइज़ में और भी स्मॉल रहेंगे मेरे हिसाब से। एंड मेरे हिसाब से अदर कंपेटिटर्स ने इस गेम में ब्रियॉन से ज़्यादा अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, क्योंकि सब ने कंटिन्यूसली अच्छे इंप्रूवमेंट्स की हैं फिजीक एंड पोजिंग दोनों में। लास्ट ईयर ब्रियॉन की प्लेस थी 3rd, एंड उससे पहले 2019 में 2nd, बट आई थिंक इस साल 2021 क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया में ब्रियॉन की प्लेस होगी 5th। मुझे नहीं लगता कि वो इतना इम्प्रेस कर पाएंगे सबको, एंड आई थिंक ही इज़ नॉट डूइंग दैट वेल इन क्लासिक फिजिक नाउ, एंड ही शुड स्विच इन 212 और इन सम अदर कैटेगरी, क्योंकि उनकी हाइट के अकॉर्डिंग वो अपनी वेट लिमिट पर पहुंच चुके हैं। अब बात कर लेते हैं 4th प्लेस की। 4th प्लेस पर मैं रखूँगा ब्रायन जोन्स को, जो कि एक अच्छे एथलीट हैं विद ह्यूज साइज एंड टाइनी वेस्ट। पोजिंग भी बहुत अच्छी है, एंड श्योरली अपनी वेट लिमिट के हिसाब से अच्छा साइज गेन किया है,
एंड वेस्ट को भी स्मॉल मेंटेन करके रखा हुआ है। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी ब्रायन जोन्स से सेकंड या थर्ड प्लेस आर्नल्ड में, बट कंडीशनिंग इतने अच्छे से हिट नहीं कर पाए। होपफुली ओलंपिया में कर लें, एंड आई थिंक अगर ऑन पॉइंट आए तो फोर्थ प्लेस पर मैं रखना चाहूँगा ब्रायन जोन्स को। आर्नल्ड में ऑफ आने की वजह से ब्रायन की प्लेस लगी फिफ्थ, बट एज आई सेड होपफुली ब्रायन मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे और फोर्थ प्लेस ओलंपिया में कम से कम सिक्योर कर ही लेंगे। बाकी बहुत ही अच्छे ह्यूज एंड काफ़ी बढ़िया एथलीट हैं। एंड अब आते हैं थर्ड प्लेस पर। अगर मेरे अकॉर्डिंग लोगन फ्रैंकलिन इस साल कम्पीट करते और क्वालिफाइड होते तो लोगन फ्रैंकलिन मेरे हिसाब से इस साल के ओलंपिया में थर्ड प्लेस करते। लोगन की लास्ट ईयर की प्लेस थी नाइन्थ, एंड इस साल मैं लोगन को रखता थर्ड प्लेस पर, क्योंकि लोगन ने सच में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स की हैं। लोगन ने अच्छे से साइज गेन किया है एंड टेक्सास प्रो में भी काफ़ी फुल एंड अपने पीक करके आए थे, एंड पोजिंग रूटीन एवरीबडी नोज कि कितना अमेजिंग है लोगन का। एंड आर्नल्ड में थर्ड प्लेस के साथ बेस्ट पोजर का अवार्ड भी मिला था लोगन को, एंड टेक्सास में सेकंड प्लेस के साथ बेस्ट पोजर का अवार्ड। तो अनडाउटेडली अगर लोगन कम्पीट करते तो थर्ड प्लेस पर मैं लोगन को ही रखता, बट एनी वे ही इज़ नॉट कम्पीटिंग। एंड इसके बाद थर्ड प्लेस पर मैं रखना चाहूँगा एलेक्स कैम्बनेरो को। एलेक्स स्मॉल है काफ़ी, बट जजेस इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड नो डाउट कंडीशनिंग बहुत अच्छे से हिट करते हैं, काफ़ी शार्प एंड डिटेल्ड फिजिक दिखाते हैं एलेक्स, सारी मसल्स अच्छे से दिखती हैं इनकी फिजिक में। एंड जजेस स्मॉल साइज होने के बावजूद एलेक्स को अदर कंपेटिटर्स से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड एक अच्छी फिजिक है एलेक्स की भी। तो मेरे हिसाब से एलेक्स उन शॉर्ट गाइज में से हैं जो कि क्लासिक फिजिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी इस कैटेगरी को जो टॉलर गाइज हैं वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग एलेक्स की प्लेस होगी इस साल थर्ड, एंड लास्ट ईयर एलेक्स की प्लेस थी ओलंपिया में फोर्थ। अब बचते हैं हमारे टॉप टू, रफ डीजल यानी टेरेंस रफिन एंड टू टाइम क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया क्रिस बम्स्टेड। इन दोनों की प्लेसिंग पर आने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि करेज ओपारा और जोजे मारिया मेटे ये दोनों एथलीट्स उन शॉर्ट एथलीट्स में से भी हैं जो कि क्लासिक फिजिक में शॉर्ट हाइटेड होने के बावजूद भी अपने कम वेट लिमिट को मेंटेन करते हुए अच्छा कर रहे हैं। करेज की आर्नल्ड में फोर्थ प्लेस थी, एंड इन्होंने अदर बेटर एंड बिगर साइज वाले एथलीट्स को बीट किया था। फाबियन मायर, ब्रायन जोन्स सब इनके बाद प्लेस करे थे, एंड अदर अच्छे एथलीट्स को भी इन्होंने बीट करते हुए फोर्थ प्लेस सिक्योर की थी। जोजे मारिया भी सेम है, बट इनकी फिजिक मुझे करेज से भी बेटर लगती है, एंड ये पोर्चुगल प्रो के विनर थे इस साल के, एंड इन्होंने बाकी सभी अच्छे अच्छे एथलीट्स को हराया। एंड पोर्चुगल प्रो का क्लासिक फिजिक का लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, एंड इवन इस साल के आर्नल्ड ओहायो से भी बड़ा शो लग रहा था मेरे को पोर्चुगल प्रो इन माय व्यूज़। बट उसके बाद यूरोपा प्रो में जोजे मारिया की प्लेस थी थर्ड। तो आई थिंक ये एक अच्छे एथलीट हैं ये भी, एंड प्रोबेबली जोजे मारिया भी टॉप सिक्स में शायद हो सकते हैं इस साल के ओलंपिया में। एंड अब वापस आते हैं अपने टॉप टू पर, एंड सेकंड प्लेस होगी टेरेंस रफिन की। मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर किसी को कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, बिकॉज टेरेंस गॉट एवरीथिंग, गुड शेप, साइज, सिमेट्री, प्रॉपर क्लासिक लुक है टेरेंस के पास, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोजर्स इन क्लासिक फिजिक टुडे। तो इसको बिना इतने स्ट्रेच करते हुए सेकंड पर रखते हैं टेरेंस रफिन को, एंड आई एम श्योर ही कैन बी क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया समडे। एंड फर्स्ट प्लेस यानी 2021 क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया होंगे टिम्स, हाँ सही सुना, रॉबर्ट टिम्स, सॉरी फॉर द जोक, क्रिस बम्स्टेड ही होंगे इस साल भी क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया। मेरे अकॉर्डिंग क्रिस इज गोइंग टू डोमिनेट द होल क्लासिक फिजिक एटलीस्ट फॉर 2 to 3 years। क्रिस की फिजिक में अकॉर्डिंग टू मी अब कोई भी वीक पॉइंट नहीं है, कोई भी वीक मसल नहीं है। हाँ पहले ज़रूर था, बाइसेप्स में था, थोड़ा लेग्स में भी, एंड अकॉर्डिंग टू सम पीपल बैक में भी, बट अब मेरे हिसाब से नो वीक पार्ट इन क्रिस फिजिक राइट नाउ। बाकी क्रिस के बाइसेप पीके नहीं है, बट स्टिल लुक्स वंडरफुल। तो अकॉर्डिंग टू मी क्रिस विल विन अगेन दिस ईयर इन क्लासिक फिजिक। एंड रही बात टिम्स की, तो टिम्स के पास लैट्स में साइज अच्छा है, बट उतना ही कम लेग्स में, एंड बाकी एक डिटेल्ड फिजिक दिखाते हैं टिम्स, एंड कंडीशनिंग भी अच्छी लाते हैं।
बट इट डजेंट मीन कि टिम्स ओलंपिया ही जीत जाएंगे सिर्फ इस बेस पर, ये चीज़ भी मैटर करती है, बट ओनली ऑन दीज बेसिस ही कांट विन क्लासिक फिजिक मिस्टर ओलंपिया। बाकी टॉप 10 में श्योरली प्लेस करेंगे रॉबर्ट टिम्स। तो बस यही थे मेरी आज की टॉप 6 क्लासिक फिजिक ओलंपिया से रिलेटेड प्रिडिक्शन। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको तहे दिल से शुक्रिया, एंड जिन भी लोगों ने नहीं कराया कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करे तब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, हेल्थी रहें। गेम ऑफ फिटनेस फ्रीक्स साइनिंग आउट।